नमस्कार, मैं हूँ प्रगति। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। काशीपुर के कुंडा से हरियावाला को जाने वाले लिंक मार्ग स्थित पेपर मिलों में आने वाले दर्जनों वाहन आए दिन लिंक मार्ग पर खड़े कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों, किसानों, स्कूल आने जाने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानियों को देखते हुए ग्रामीणों ने कुंडा थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की, जिसे देखते हुए ARTO प्रभारी जगदीश चंद्रा मौके पर पहुंचे और उन्होंने लिंक मार्ग पर खड़े वाहनों को वहां से हटवाया। साथ ही उन्होंने चालकों को चेतावनी दी कि यदि फिर से वे वाहन खड़े करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं कंपनी मालिकों से भी कहा जाएगा कि वाहनों को सड़क की बजाय कंपनी की पार्किंग में खड़ा करवाएं। काशीपुर से संवाददाता राजेश शर्मा की रिपोर्ट। सूचना मिली है स्थानीय लोगों द्वारा, यहाँ पर कात्यायनी और कैलासी देवी पेपर मिल्स हैं, तो उनका माल लेके ट्रक्स आए हैं वहाँ। ये लोग अभी अनलोड नहीं किया गया है इनको, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये लोगों ने जाम लगाया हुआ है। करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन पे लोग खड़े हैं। अगर ये अनलोड हो जाते तो शायद ये कंडीशन नहीं बनती। रोड पे के किनारे ऐसे खड़ा करना, बिना पार्किंग जगह पर गाड़ी को पार्क करना, इस पे धारा 177 के तहत चालान की व्यवस्था है। हमने सभी गाड़ियों को यहाँ पर के नंबर नोट कर लिए हैं और साथ ही जल्द से जल्द हटाने की इनकी व्यवस्था की जा रही है और गाड़ियाँ हट भी रही हैं। क्या इनका चालान कार्रवाई? देखिए, अगर इनको वार्निंग दी जा रही है, अगर ये लोग जो लोग हटा रहे हैं ठीक है, ये लोग जहाँ इनकी पार्किंग की व्यवस्था है वहाँ पार्क करें, जो लोग नहीं हटाएंगे उनकी हम चालान करेंगे। हाँ जी, मेरा नाम विक्रांत कुमार, गांव सुल्तानगढ़ लालपुर कॉलोनी का स्थायी निवासी हूँ। ये जो फैक्ट्री है कैलासी देवी और कात्यानी, इनके ट्रैफिक जो हैं हमारे घरों के सामने गांव में जगह जगह खड़े होते हैं और कम से कम 100 से अधिक ट्रक इस टाइम रोड पे हैं। और जबकि मैंने अभी ITO साहब को भी फ़ोन करके बुलाया है, और बुलाने के बाद मैंने बोला उनसे, मैंने कहा सर ये जाम तोड़वाइए, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, बसें आती हैं स्कूल की, उनको बहुत ज़्यादा खतरा है। कल मेरे बेटे को चोट भी लगी है, साइकिल से वो जा रहा था, साइकिल में एक वाहन टक्कर मार के गया फैक्ट्री का, लेकिन हम वाहन को पकड़ने में असमर्थ रहे। तो इस वजह से जो है हम थाने में भी आज सारे गांव के लोग जो हैं ग्रामवासी जा रहे हैं, और हमारे जो खेतों का रोड है वो भी जाम है, जिससे कि हम खेत में से चारा नहीं ला पा रहे ट्रैक्टरों पर। ट्रैक्टरों से खाद लेके जाते हैं धानों में डालने के लिए, वो नहीं जा पा रहे, हमें बहुत असुविधा है। कृपया श्रीमान जी से और सबसे हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कि ये जो है सिस्टम जो है फैक्ट्री का जो है सही करवाया जाए, फैक्ट्री अपनी पार्क के अंदर अपनी पार्किंग में इन वाहनों को खड़ा करे। का जो रोड है ये खेत का रोड था, ये एक चक रोड खेत की है, इसकी चौड़ाई भी जो पटवारी साहब ने नापी है इसकी 5 मीटर चौड़ाई है, जबकि हमें ज़्यादा छोड़ रखी है। उसके बावजूद हमें मोटरसाइकिल, खाली मोटरसाइकिल हमारी नहीं निकल पा रही हैं। ये ट्रक खड़े कर देते हैं रोड पे और 24 घंटे ट्रक खड़े रहते हैं इनके, कभी बाई चांस जगह मिलती है, वरना हमें कुंडे से घूम के 4-5 किलोमीटर घूम के फिर हमें खेतों पर जाना पड़ता है। ये कात्यानी पेपर मिल और कैलासी देवी पेपर मिल है।